तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 2 बजे के बाद बिल पर अब चर्चा होगी। विपक्ष ने यूसीसी बिल पर सवाल भी उठाए हैं। ये खबर इस वक्त आप जान लीजिए, उत्तराखंड से ये खबर है, जहां उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हुआ और फिर उसके बाद हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और ये आपको दिखा रहे हैं, समान नागरिक संहिता जो आज पेश किया गया उत्तराखंड के विधानसभा में, उसकी कुछ खास बातें इस वक्त आपके सामने हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हुआ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया ये बिल। बिल पेश होने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगे और फिर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। आपको ये बता दें, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया विधानसभा की। 2 बजे के बाद बिल पर फिर चर्चा होगी। विपक्ष ने यूसीसी बिल पर सवाल उठाए हैं। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां यूसीसी बिल पेश किया गया। पहली कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं, यूसीसी बिल की ये कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं और उसमें क्या कुछ है, जी न्यूज पर आप जान लीजिए, देख लीजिए। ये कॉपी इस वक्त आपके सामने है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, इस वक्त क्या खबर? विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, क्या वापस जब कार्यवाही शुरू होगी तो ऑपोजिशन चर्चा के मूड में है, या फिर अभी जो हमने देखा कि किस वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, यही 2 बजे के बाद देखने को मिलेगा? देखिए प्रिया, बिल्कुल कार्यवाही अभी स्थगित है, 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में जब कार्रवाई शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता बिल को रखा था, तो उसके बाद विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि हमें पढ़ने के लिए समय चाहिए, आपने आज विधेयक रखा है और अभी इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, आप इसके लिए हमें पर्याप्त समय दीजिए। जिस पर स्पीकर ने विधायकों को 2 बजे तक का समय दिया है, 2 बजे अध्ययन करने के बाद वो लोग चर्चा में भाग ले सकते हैं। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि जो सदन में चर्चा होगी उस पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस के भी कई सारे विधायकों का ये मानना है कि अगर वो विरोध करेंगे तो उसका मैसेज गलत जाएगा। तो इसलिए अभी तक की स्ट्रेटेजी यही लग रही है कि कांग्रेस शायद सदन में विरोध ना करे, लेकिन जब सदन में कार्रवाई शुरू होगी तब देखना होगा कि कांग्रेस क्या बिल के पक्ष में आती है या फिर विपक्ष में आती है, किस तरह से अपनी बातों को रखती है। सदन के बाहर भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो अलग मुद्दों पे था, प्रश्नकाल और कार्य स्थगन नहीं चलने को लेकर था, लेकिन यूसीसी पर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले नहीं है। और कल तक वो यही कह रहे थे कि जब हम विधेयक को पढ़ लेंगे उसके बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। अब उनको समय मिल चुका है, 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तब देखना है कि कांग्रेस का रुख क्या होगा। अगर कांग्रेस बिल का विरोध करती है तो उसके पीछे आधार क्या है, और कांग्रेस अगर बिल का सपोर्ट करती है तो फिर उसको बहुत सारे जवाब देने होंगे, क्योंकि समुदाय विशेष की भी इस पर नजर है कि किस तरीके से सदन में इस पर चर्चा हो रही है। और इसी पर संसदीय कार्य मंत्री का भी ये कहना है कि हम बिल लेके आ चुके हैं, अब विधेयक की फॉर्म में वो सदन में रखा जा चुका है, अब ये देखना है कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके विरोध में है। प्रिया बिल्कुल, सुरेंद्र आप वहां पर मौजूद हैं, चूंकि आपकी लगातार जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई होगी, इंटरेक्शन हुआ होगा, क्या सिर्फ ये एक वजह है कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ है, पढ़ लेंगे उसके बाद हम अपना पक्ष सामने रखेंगे, या फिर कई बार हमने देखा है कि इस चीज का विरोध करना है तो करना है, आधारहीन विरोध होता है लेकिन करना है, वो चीज भी आप वहां पर भाप पा रहे हैं, बातचीत करके क्या लगा आपको कि चर्चा हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस हो या विपक्ष हो, विधायकों को अभी तक विधेयक की कॉपी नहीं मिली थी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले तक। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद जब मुख्यमंत्री ने उसे टेबल किया है उसके बाद ही सबको कॉपी मिली है, तो ये बात तो सही है कि विधेयक की जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस कन्फ्यूजन स्थिति में है, कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कई सारे विधायक ये कहते हैं कि अगर वो सीधे तौर पे यूसीसी का विरोध करेंगे तो फिर उनको बहुत बड़े पैमाने पर इसका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए भी कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। और यही देखना है सदन के भीतर कि कांग्रेस चर्चा में भाग लेगी तो तथ्य क्या रखेगी, किन तर्क को लेकर बात रखेगी। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि जो विधेयक होगा उसको
प्रवर समिति को भेजा जाए, यानी संशोधन के लिए पार्लियामेंट असेंबली की ही कमेटी को भेजा जाए, लेकिन बिना चर्चा में भाग लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? चर्चा में आपको भाग लेना होगा, तर्क रखने होंगे, और अगर आपके तर्क से सदन सहमत होता है, पीठ सहमत होती है, तभी ये चीजें होती हैं। तो इसलिए सदन के भीतर जब कार्रवाई शुरू होगी तब ये देखना है कि कांग्रेस के पास क्या वो तर्क हैं, क्योंकि इस विधेयक की सदन में जानकारी देने के लिए इस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर मनु गौड़ भी रहेंगे, जो तकनीकी पेचीदियां भी इस ड्राफ्ट के बारे में सदन के भीतर बनाएंगे। उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर सदन के भीतर बुलाया जाएगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, यूसीसी पर कुछ खास बातें कि इसमें किन किन चीजों का जिक्र किया गया है और जिसको लेकर के विरोध या समर्थन हो सकता है, किसी पर असहमति बन सकती है, क्योंकि अब बिल की कॉपी तो सबको दे दी गई है। देखिए बिल्कुल, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुविवाह पर रोक होगी, यानी एक व्यक्ति के एक पत्नी के अलावा और अगर विवाह किए जाते हैं उस पर पूरी तरह से रोक होगी। इस पर कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। और इसके अलावा एक बात इसमें यह भी है कि सीधे तौर पे अगर कोई भी शादी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की शादी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। अब तक ये प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब होगा। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी एक पत्नी अगर जीवित है, तलाक नहीं हुआ, तो फिर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जो एक सबसे बड़ा कारण लगता है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने वाले बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं। पारसी नियम के तहत ये होता था कि लड़की अगर किसी अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म में शादी करती है तो उसके सारे राइट्स खत्म हो जाते थे, लेकिन अब वो नहीं होगा, उसके राइट्स बचे रहेंगे, चाहे वो अपनी मर्जी से शादी कहीं भी करे। शादी की एक उम्र होगी, सिर्फ 18 साल। इसके अलावा अगर किसी को तलाक दिया जाता है तो पहले मुस्लिम रीति के तहत भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अब अगर तलाक दिया जाता है तो आपको भरण पोषण यानी मेंटेनेंस। सुरेंद्र, आगे भी आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है कि जब यूसीसी विधेयक को आज जब पेश किया गया, पुष्कर सिंह धामी ने टेबल किया, तो इसमें क्या कुछ है जिसपे लोगों के समर्थन भी हो सकते हैं और विपक्ष का विरोध भी हो सकता है। वापस मैं आपका रुख करूंगी। ज़ी न्यूज़।